हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने आया हूं उस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल बताने के लिए। क्या है इसकी आखिर शैक्षिक अर्हता, ओ लेवल के समकक्ष क्या मांगा जाएगा, किस पद में क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, फिजिकल होगा, टाइपिंग होगा, स्टेनो होगा, सारी डिटेल के बारे में, जिसकी लगातार आप लोग हर एक जो है वहां पर मैंने देखा यब्बी का ग्रुप है या पर्सनल लगातार कॉल आ रही, मैसेजेज आ रहे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होगा, सर मेरे पास ये डिग्री है तो एलिजिबल हूं या नहीं, उन तमाम चीजों पर मैं बात करने आप सभी के सामने आया हूं। ये जो आपका पद है, ये पद है आपका यूपीएसआई का ही पद है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कई लोग पूछ रहे थे सर क्या ये जो है एसआई का पद नहीं है, भैया है एसआई का ही पद, लेकिन ये जो पद होता है ये आपके जितने मतलब विभाग हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत उसमें आपको काम करना है, यानी ये है आपकी ऑफिशियल जॉब है। इसमें तीन तरीके की पोस्टें इस बार आई हैं, अभी अध्याचन जा चुका है, चूंकि इससे पहले यूपी पुलिस में वैकेंसी इसलिए रुकी थी क्योंकि इसमें क्या होना था, जो पहली 16 वाली वैकेंसी थी उसके में और इसमें कुछ परिवर्तन होना था और उसको क्रमिक विभाग से क्या होनी थी, मंजूरी मिलनी थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट था। इससे पहले भी आई थी, तब हमने आपको बताया था कि क्रमिक विभाग से अभी इसको मंजूरी मिलना बाकी है, तो मैंने बताया था कि ये आपकी जुलाई अगस्त तक जाएगी और वैकेंसी आपकी पहली बार जो है विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अध्याचन मिल चुका है। हम लोग सबसे पहले किसका, जो यूपीएसआई और एएसआई की वैकेंसी है, ठीक, इसके लिए सबसे पहले विज्ञप्ति आएगी। दूसरा जो एसआई सिविल पुलिस में होता है 5500 पद के करीब है, उसकी विज्ञप्ति अलग से आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसमें सारे लोग आपके एलिजिबल होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं। यहां पर क्या पद है, इसमें भी बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, लोग जान नहीं रहे, इसलिए जो है बहुत ज्यादा उनके अंदर क्या है उत्सुकता बनी हुई है, उन्हीं पर मैं बात करूंगा। इसमें तीन तरीके की पद है, एक आपका गोपनीय है, ठीक है, और दूसरा आपका लिपिक का पद है और तीसरा लेखा का पद है। तीन विभाग इसमें होते हैं आपके, ठीक, कॉन्फिडेंशियल लिखा है इसका क्लर्क और इसका जो है ये अकाउंट, तीन तरीके की वैकेंसी लिखी है। ये जो होती है कॉन्फिडेंशियल यानी जो गोपनीय विभाग बोला जाता है, ठीक, पुलिस का, इसमें आपको ये एसआई रैंक की आपकी वैकेंसी है, इसकी पे ग्रेड भी आपकी ऊपर है, लेकिन जो दो आपके लिपिक वाली है ये क्लर्क रैंक की आपकी पोस्ट है और ये लेखा में जो है, ठीक, ये भी वही आपकी लगभग समकक्ष है, दोनों चीजें सेम पे ग्रेड की है, लेकिन ये जॉब आपकी पे ग्रेड आपकी इसकी काफी उच्च है, ठीक, ये एसआई की है, ये दोनों जो पद है ये एएसआई की वैकेंसी है। तो भैया भर्ती पिछली बार और इस बार, जहां 600 पद पिछली बार इसमें आए थे 17 वाली वैकेंसी में, इस बार जो है आप देख सकते हैं पदों की संख्या 1277 है, ठीक है, इस बार तीनों पदों को अगर मिला लिया जाए तो 1277 है। सबसे ज्यादा लिपिक में पद होते हैं और इस बार भी सबसे ज्यादा है, 600 से 650 के करीब इसमें पद आए हैं, यानी सब कुछ बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो एक एक करके मैं बात करूंगा, एग्जाम डेट इसकी कब संभावित हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, एलिजिबिलिटी में मैं तीन एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा, ओ लेवल के समकक्ष कौन से हैं, ओ लेवल जिन्होंने नहीं किया है डिप्लोमा किया है वो कैसे माने होंगे, कौन कौन से लोग माने हैं, या जिनके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है जो ओ लेवल के समकक्ष विभाग द्वारा बताई गई है उसमें कौन कौन से लोग आएंगे। दूसरी बात मैं बात करूंगा फिजिकल इसमें क्या क्या चीजें मांगता है, उस चीजों के बारे में बात करूंगा। तीसरी बात करूंगा इसमें कि हाइट, चेस्ट और ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें क्या क्या चीजें मांगता है, तो सब कुछ क्लियर होने वाला है। बहुत सारे लोग जो आहारी हैं वो जान पाएंगे कि हमें अप्लाई करना है, भैया पद बहुत ज्यादा है, 1277 पद हैं और इसमें चूंकि सारे लोग छटके आ जाते हैं यहां पर मांग लेता है ओ लेवल। अब सारे लोग जो नहीं जानते हैं आहारिताओं को कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से लोग आते हैं, वो इस फॉर्म को डालने से चूक जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें देखनी है, आपको कंपेयर करना है कि आपके पास अगर कंप्यूटर से संबंधित कोई डिग्री है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं तो आपको यह फॉर्म डालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक चीजें। टीम परीक्षा प्लस लगातार इसके लिए, ये जो वैकेंसी है इसके लिए हम आपको निःशुल्क क्लासेज, निःशुल्क जो है टेस्ट सीरीज सब कुछ देंगे, पूरा मटेरियल देंगे। उसके लिए अगली वीडियो आपकी होगी, प्रीवियस ईयर पेपर की अगली वीडियो होगी, ठीक, उसके बाद सारी क्लासेज की आपको वीडियोज मिलेंगी, पूरा मटेरियल सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें नीचे सब कुछ लगा होगा डिस्क्रिप्शन में, आपका जो है टेलीग्राम का लिंक होगा, फेसबुक के ग्रुप का लिंक होगा, सब कुछ होगा, वहां से ज्वाइन करिए ज्यादा से ज्यादा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में बाद में डिटेल होगी। आज मैं आपके सामने बात करता हूं सबसे पहले जो ये वैकेंसी आपकी आई थी कब, 16 के दिसंबर में आई, यानी 17 तक इसकी क्या चल रही थी, आपका पूरा फॉर्म भरने की डेट चल रही थी उस समय, ये वैकेंसी 16
ठीक है, विज्ञप्ति आपकी 16 को थी, दिसंबर 16 में आई थी पुरुषों के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में आपकी ये भर्ती थी, जो इस बार भी है। तीन टाइप की ये पोस्ट है, विभागीय है, कुर्सी पर आराम से बैठना है, पेट अपने आप निकल आएगा, पुलिस वालों का वही काम है, ठीक। 26 दिसंबर की बात है ये विज्ञप्ति आपकी जिस दिन आई थी, इसमें देख लीजिए जो पद इस बार है वही पद उस बार सेम क्वालिफिकेशन रहनी है, कोई क्वालिफिकेशन में बदलाव नहीं जाएगा। उप निरीक्षक एसआई की जो गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक, यह उप निरीक्षक के अंतर्गत है। इसका वेतनमान जो होता है ये 93 से लेकर के आपका 34,800, ठीक। साथ ही साथ ये 4200 पे ग्रेड की जॉब है, जो कॉन्फिडेंशियल वाली है 4200 पे ग्रेड है, अपने आप में अच्छी जॉब है, ठीक। इसके पद उस बार 136 थे, इस बार काफी ज्यादा है, 300 कुछ है। अगर पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की बात करें, क्लर्क जो उस बार आई थी, ये आपकी 2800 पे ग्रेड की जॉब है। और साथ ही साथ जो लेखा की जॉब होती है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, इसके जो आपके पे ग्रेड है यह भी 2800 पे ग्रेड है, यानी दो आपकी सेम है, एक जो है 4200 पे ग्रेड की है। तो मेहनत अच्छे से करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओ लेवल वाले एलिजिबल है, बहुत सारे यहां पर उसने इसके समकक्ष की सारी चीजें दी है। अब हम बात करते हैं, ये तो उस बार की रही, इस बार अभी ये विज्ञप्ति आपकी विभाग जारी करेगा, इसी वीक में, मतलब अगले वीक में आपकी विज्ञप्ति इसकी आ जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद आपकी एसआई सिविल में आ जाएगी। 5500 के करीब पद है, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार रहना है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फायदेमंद है। उस बार भैया 400 रुपए फी मांगा था, इस बार भी 400 ही मांगेगा एसआई में। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन, जो चीजें उस बार थी वही चीजें इस बार भी है, परेशान नहीं होना है। देखिए उप निरीक्षक जो है गोपनीय, जो आपका गोपनीयता का पद होता है, कॉन्फिडेंशियल का जो आपकी पोस्ट होती है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगता है, तो शैक्षिक अर्हता में कोई भी विश्वविद्यालय है अगर आप ग्रेजुएट डिग्री धारण करते हैं तो आप इसके लिए ग्रेजुएट की अर्हता को पार करते हैं। दूसरी इसमें क्या मांगा है, अगर इसमें कम से कम क्या होना चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण, ठीक है, टंकण वो वाली, अब तो हालांकि कंप्यूटर पर हो गया है तो कंप्यूटर वाली आएगी, ठीक। और साथ ही साथ इंस्क्रिप्टेड कीबोर्ड तथा यूनिकोड में, अब तो कंप्यूटर पर होगा, और कम से कम 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी टंकण होना चाहिए, कंप्यूटर पर अब आपको देना है टंकण, भूल जाइएगा, ठीक है। यानी हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और इंग्लिश में जो है 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग मांगा है। दूसरी बात, आपको न्यूनतम 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनो राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है, और सिर्फ आपसे हिंदी में मांगा है, इंग्लिश में नहीं मांगा है। 80 शब्द पर मिनट आपको स्टेनो की राइटिंग आनी चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए, ये सिर्फ आपके गोपनीय कॉन्फिडेंशियल विभाग में मांगा है, जो आपकी उप निरीक्षक का पद है। तीसरी चीज, इसमें ओ लेवल का कंप्यूटर आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी मैं बात करूंगा ओ लेवल के अंतर्गत कितने सारे लोग आते हैं, सबसे लास्ट में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जो उप निरीक्षक है लिपिक का पद है, ठीक, इस लिपिक के पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रही। देखो भैया, इसमें भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी, ठीक, और दूसरा वही इंग्लिश आपका 30, तो दोनों में टाइपिंग आपका सेम मांगा है। तीसरी चीज आप बात करते हैं, इसमें भी ओ लेवल का आपका क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब तीसरा जो पद है आपका उप निरीक्षक का, जो लेखा विभाग में होता है, ठीक, इसमें क्या होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक बीकॉम होना चाहिए, इस बार भी यही होगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है, बीकॉम में या लेखा शास्त्र में, जिसमें भी आपका होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक हो या लेखा शास्त्र, कोई एक होना चाहिए, ठीक है। लेखा शास्त्र के साथ है तो परा स्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आपके पास समकक्ष अर्हता होना चाहिए, जो लेखा शास्त्र से है उनके पास क्या होना चाहिए, परा स्नातक। लेकिन अगर कोई वाणिज्य से है, बीकॉम किया है, तो उसके लिए सिर्फ स्नातक ही चाहिए, ठीक है, वो लोग एलिजिबल होंगे। दूसरी बात, इसमें भैया आपको टाइपिंग कह रहा है कि 15 शब्द प्रति मिनट करना है, अरे तेज के कहीं गड़बड़ हो गया विभाग का पूरा मामला, ठीक, और वो भी इस पर यूनिकोड और इंस्क्रिप्टेड जो कीबोर्ड होता है उस पर आपको टाइपिंग देनी है। तीसरी चीज, इसमें डोएक या आपका जो नीलिट होता है, इससे कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये उस समय क्या थी, अहर्ताएं थी, इस बार भी यही अहर्ताएं रहेंगी, अहर्ता में कोई चेंज नहीं होगा। जो बदलाव हुआ अभी उसके बारे में लास्ट में मैं बात करूंगा कि ये क्रमिक विभाग के पास क्यों भेजा गया था, शासन से अप्रूवल के लिए क्यों रुका था, उन सबके पीछे जो लॉजिक रहा वो मैं अभी बात करूंगा, उसके बाद इसमें बात करते हैं, ठीक। इसके बाद अगर देखा जाए, इसमें
आयु जो होती है, आयु भैया जुलाई से मांगता है उत्तर प्रदेश एसआई में, हमेशा से ये रहता है कि जब वैकेंसी आती है, अब ये 16 के दिसंबर में वैकेंसी आई थी तो इसने एक साथ 16 से वैकेंसी अब लिया था, पहली जुलाई 16, अब ये 20 में आई है तो पहली जुलाई से होना चाहिए, ठीक है, पहली जुलाई जो है 20 से आपकी उम्र जो होनी चाहिए 21 वर्ष आप पूर्ण कर चुके हों और 28 वर्ष से ज्यादा ना हो, 21 से 28 आपकी एज होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक। दूसरी चीज, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और अन्य ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको कुछ ना कुछ छूट मिलनी है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसी छूट राज्य सरकार अन्य वैकेंसियों में देती है 5 साल 3 साल, उस हिसाब से आपको छूट मिलनी है, तो उसके लिए परेशान ना होइए। ये जनरल के लिए है कि आपको जो अगला 1 जुलाई आ रही है, 1 जुलाई आ चुकी है भैया, 1 जुलाई से उसी में वैकेंसी है, 1 जुलाई को आप मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपकी 28 साल होनी चाहिए। आगे बात करते हैं भैया, चरित्र तो बाद में होगा ही होगा, इसके बाद वैवाहिक स्थित, भैया केस वगैरह होगा तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या मान लो किसी जॉब में रहे और आपको वहां से निकाल दिया गया, तो ऐसे लोगों के लिए ये पद आपके कहीं से भी कतई आपको स्वीकार नहीं करेंगे। वैवाहिक प्राय स्थित ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप विवाह कर ले तो इसके लिए एलिजिबल नहीं, पुलिस वाले हैं तो परिवार होता है, शादी वगैरह किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा शादी किए हैं तो आपके लिए दिक्कत है, ठीक है, जिसके लिए आपको मतलब ये विभाग बना पुलिस विभाग, वहीं गलत काम करेंगे तब दिक्कत। शारीरिक स्वस्थता बात करते हैं, देखो भैया इसमें शारीरिक स्वस्थता ये नहीं है कि जैसे 4.8 किलोमीटर उसमें दौड़ना होता है एसआई में वैसा दौड़ना है, नहीं, वो सिविल पुलिस के लिए है, वहां गुंडे बदमाश, ठीक है, ऐसे लोगों से निपटना होता है तो उसके लिए चाहिए, हालांकि पुलिस का रवैया बदल चुका है, अब दौड़ा के नहीं पकड़ते हैं पुलिस वाले, अब बिठा के मारते हैं। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक और जो है साथ ही साथ लेखा गोपनीय सहायक संवर्ग में, ये प्रथम संशोधन नियमावली 16 में आई थी, इस बार नियमावली बदल चुकी है, संशोधन हो चुका है, संशोधन जो हुआ है वो आपका किसको लेकर हुआ है, वो आपका हुआ है कि जैसे पहले जो होती थी 50% सभी में लाना, चाहे ये हो चाहे सिविल पुलिस हो, दोनों में 50% लाना जरूरी था, इस बार 50% से कम होकर 35% जाएगा सब्जेक्टिव वाला, ठीक है, और ओवरऑल 50% लेगा, तो इसका फायदा मिला है, वही परिवर्तन होना था, वही संशोधन शासन ने स्वीकृत किया है, क्रमिक विभाग ने किया है, अब आया है। इसमें भैया टोटल नंबर आप जो है अगर देखा जाए टोटल आपके मार्क्स कितने होते हैं, 400 अंक की परीक्षा होती है, 200 इसमें क्वेश्चन आते हैं, 400 अंक की परीक्षा होती है, 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कैसा कैसा पेपर जैसा नाम है मांग रहा है कंप्यूटर वो लेवल, तो उसी हिसाब से पेपर होता है, उतना आसान नहीं है जितना ये आसान आप सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लगातार इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान जो है ये 50 क्वेश्चन होते हैं इन दोनों के, ठीक, 100 अंक का होता है, ऐसे सामान्य जागरूकता और सामयिक विषय करंट इसकी इतनी अच्छी पूछता है, मैं सेकंड राउंड में इसका पेपर करवाऊंगा, आपको वीडियो मिलेगा तब देखिएगा, पेपर टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसमें जो है ये भी 50 क्वेश्चन थे 100 अंक के, साथ ही साथ संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा जो होती है, ठीक, इसके भी 50 क्वेश्चन थे 100 आपके अंक के, और जो मानसिक अभिरिक्त परीक्षा है, बुद्धिलब्ध परीक्षा है, तार्किक परीक्षा है, उन सबसे भी 50 क्वेश्चन आपके, मतलब 200 प्रश्न आपके 400 नंबर के होते हैं, एक प्रश्न 2 अंक का था, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक, 2 अंक का था या 2.5 था, अभी आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक, नेगेटिव मार्किंग उस बार नहीं थी, उस चीज को ध्यान रखिएगा, लेकिन भैया अब की बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी ये मैं कह सकता हूं। पहले 50% लाना था हर एक विषय में, इस बार जहां तक है 35% होगा, ठीक, तो पहले जो लोग एलिजिबल मतलब इसमें चूक गए हैं उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इस बार बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बाकी हम लोग तो पढ़ाएंगे, ये कंप्यूटर वाले जो सवाल आते हैं ना करंट वगैरह, उन सबके लिए आशीष सर हैं, ठीक है, वो डील करेंगे, वो जितना बताएंगे पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। आगे इसमें बात करते हैं डीबी, जो डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन है और फिजिकल है, इसमें क्या क्या मांगता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भैया जिस दिन फॉर्म भरा जाए फॉर्म की लास्ट डेट तक जितना कुछ मांगता है उतना आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, आपको बाहर नहीं किया जाए, अगर फॉर्म की लास्ट डेट तक आपके पास सारी चीजें नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना। फॉर्म की अंतिम डेट तक हमेशा हर एक फॉर्म में एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, वो डिग्री मांगी जाती है। देखिए अगर फिजिकल की बात करें तो भैया हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे सामान्य वर्ग हैं या ओबीसी हैं या आप अनुसूचित जाति हैं एससी हैं, सबके लिए मिनिमम 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, कितनी 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 156 सेंटीमीटर चाहिए जो एसटी में है,
बाकी सभी के लिए चाहे जनरल है चाहे ओबीसी है चाहे आपका एससी है 163 सेंटीमीटर हाइट होना कंपलसरी है। दूसरी बात करते हैं सीना कितना होना चाहिए, भैया 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाव मांगता है हर एक इसमें, चाहे आप पुलिस में जाओ चाहे जिसमें जाओ चाहे सेना में जाओ। यहां पर भी है कि सामान्य है ओबीसी का है या एससी का अगर कोई बंदा है कैंडिडेट है तो मिनिमम 77 सेंटीमीटर हो आपका सीना, और जब आप फुलाएं तो 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूले और वो 82 सेंटीमीटर फूल जाए, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर चाहिए ये याद रखना, उससे ज्यादा जितने 9-10 फुला दो वो आप पर है। और जो आपके जनजाति हैं ठीक है ऐसे बच्चों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, मतलब 2 सेंटीमीटर की रहम खाया है, और 80 सेंटीमीटर किसी तरीके से फुला उला के पहुंचा दो। तो ये पुरुषों के लिए है चेस्ट जो मेजरमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अभिलेखों की जो संविच्छा है मतलब वेरिफिकेशन है और फिजिकल, इन सब में क्या होगा, सिर्फ इतने फिजिकल है वो दौड़ना कूदना नहीं है, इतने ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद भैया जो आपकी इसमें कंप्यूटर टंकण होता है मतलब टाइपिंग होती है, और साथ ही साथ जो आंसुलिपि परीक्षा है जिसको आप स्टेनो बोलते हो आंसुलिपि को, ठीक है इसमें ध्यान रखिएगा जो लोग आपके फिजिकल में सफल पाए जाएंगे उनसे, ठीक डीबी और जो फिजिकल इसमें जो लोग सफल पाएंगे उनसे कंप्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, मतलब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले 2 स्टेप करना है, कंप्यूटर टंकण की अर्हता वो अहरकारीगत अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी, जिसमें 25 मांगा उसमें 25, जिसमें 15 मांगा उसमें 15 होना चाहिए। आगे इसमें बढ़ते हैं, लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा यानी डीबी, सबसे पहले रिटन फिर डीबी उसके बाद फिजिकल 3 और फिर आपकी टाइपिंग, ये 4 टेस्ट जब आप कर लेंगे, 5वां जिनको स्टेनो देना है स्टेनो, वो जब इन 5 से आप लोग जो होंगे इन सभी के लिए समय समय पर आपको ईमेल बोर्ड द्वारा नोटिस सब कुछ दिया जाएगा, उन सब के लिए परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक कंप्यूटर जिनका चयन हो जाता है वो लोग भाई उपनिरीक्षक में किए हैं तो उनको स्टेनो देना पड़ेगा, स्टेनो उनको कंपलसरी होता ही होता है जब मांगा है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये तो अहरितारी अहरिकारी अहर्ताएं हम उसमें नहीं है, मेडिकल आपका होना ही होना, जानते हो पुलिस विभाग है तो बिना मेडिकल के, ठीक आगे बढ़ लेते हैं। ये प्रमाण पत्र वगैरह है, चरित्र सत्यापन जब आपको करना है तो वो चरित्र सत्यापन पूर्व निवत से पहले ही आपके थाने पर भेज देते हैं पुलिस वाले, वहां से डॉक्यूमेंट आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र जाता है, ठीक तो पुलिस वालों से जो है घर पे आएंगे तो कुछ 100-200 दे देना, आप अपने ही विभाग में जाते हो ना, डिप्टी एसपी तक की ज्वाइनिंग होती है तो पुलिस वाले उसी से मांगते हैं पहले लाइए कुछ दीजिए, ये विभाग का नियम है। देखिए आरक्षण आयु में छूट सीमा पहले ही बताए हैं, जो अनुसूचित जाति हैं एससी हैं ऐसे बच्चों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ध्यान रखिएगा जात प्रमाण पत्र आपको बनवाना ही बनवाना पड़ेगा, इसके बिना डीबी में वहां से ऐसे भगा देते हैं तुरंत, ठीक है वो यहां पर सक्षम प्राधिकारी आप सारे लोग जानते होंगे बनवा रहे होंगे। जो अनुसूचित जनजाति हैं इनको जो है यहां 2 लिखा है नहीं, ये आरक्षण की बात कर रहा है 21% और 2%, 5 वर्ष इनको भी छूट मिलेगी, मतलब जो एससी हैं उनको 5 साल, एसटी हैं उनको 5 साल, और जो आपके ओबीसी हैं इन सारे बच्चों को भी 5 साल की छूट देगा, ठीक तो 5-5 साल सभी के लिए है, इसमें भी 5 साल छूट मिलेगी तो 32 साल मतलब 28-5 35 साल हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, ये इस पर ध्यान दीजिएगा डीबी में सारे बच्चे इसी से बाहर होते हैं, वैसे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा तो मैं फिर से एक बार बताऊंगा कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट ले जाना, अभी तो बहुत स्टेप है, अभी आगे बढ़िए बाकी टीम आपके साथ है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो दिया जाता है वो आपके जो स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी आश्रित हैं उनको भी 2% है, ठीक आयु में छूट नहीं मिलती है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी ये इसमें होता है, वो तो विज्ञप्ति जब आएगी तो मैं फिर से एक बार सामने आऊंगा कैसे क्या भरना है सारी चीजें बताने के लिए, अभी फिलहाल बस आपको कुछ चीजें जो इसमें बहुत जरूरी थी उन सभी के मामले में मैं आपको बताने आया था, ठीक शैक्षिक अर्हता में इन सभी के लिए आपको ध्यान रखिएगा, यहां पर साफ साफ लिखा है कि जब आप आवेदन करें उस समय यथास्थित निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक है, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, इस बात को बहुत गौर करिएगा, एक तो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए शैक्षिक उपाधि अंक का पत्र हो या तो मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, डिग्री ले आओ डिग्री जो है यूनिवर्सिटी जाकर के जो लोग काम नहीं किए हैं, और डोएक या नीलेट जो है सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो, इसके समकक्ष दिया अभी उस पर बात करते, अधिमानी अर्हता में उसने वही कर दिया है, ठीक है स्नातक वही दे दिया कि अगर आप डोएक या नीलेट से स्नातक किए हैं ग्रेजुएट किए हैं कोई ऐसा 3 साल का कोर्स किए हैं या उससे उच्च अर्हता है तो उनको प्रमाण पत्र के तौर पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा कि भैया आप ओ लेवल से बड़ी डिग्री की है तो ओ लेवल से ऊपर वाले भी इसमें क्या है मान्य होंगे, क्योंकि यहां अधिमानी अर्हता दे रहा तो परेशान नहीं होना है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या क्या चीजें हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिनको जो है किसी संस्थान महाविद्यालय में विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक हैं
जो लोग लॉ किए हैं उनको इसमें आर्यता में जो है मतलब मान लीजिए सबके अंक समान आ गए तो उसमें पहले बुलाया जाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने प्रादेशिक सेना या जो है क्या बोलते हैं एनएसएस, ठीक, उसको ज्वाइन कर रखा है विश्वविद्यालय लेवल पर, उनको भी मिलेगा। और राष्ट्र अगर आपने एनसीसी कर रखा है, बी प्रमाण पत्र आपके पास है, तब भी आपको यहां पर अधिमानी आर्यता। लेकिन सबसे पहले है कि आपको फाइट करके वहां जाना है। आगे बात करते हैं इसमें और जो चीजें पूछा है, ये तो सारी चीजें हैं। अभी जो आपकी नोटिस आएगी वो सब कुछ वहां दिखाएगा कि कहां पर क्या होती है। ये सारी चीजें बोर्ड की वेबसाइट क्या होती है, prpv.gov.in पर जाओगे, वहां पर सब कुछ आपको ये विज्ञप्ति जो है मिलेगी, वहीं पर सब कुछ आवेदन करना है, ठीक है। और सारी चीजें फोटो वगैरह है तो मैं फिर से मिलूंगा इन सब चीजों पर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो आपका इसके बराबर योग्यता है, मतलब जो इसमें मांगा था क्या क्या इसका भैया रिटेन का पाठ्यक्रम था, वही पाठ्यक्रम इस बार भी होगा, कोई बदलाव नहीं है पाठ्यक्रम में। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया इसमें जो है सामान्य हिंदी या कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का पूछा था, सामान्य जागरूकता और करेंट का विषय अलग से ये भी 100 अंक का था, और ये जो था आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100 अंक ये भी थी, और जो तार्किक वगैरह होती है कि कुत्ता दौड़ा लिया तो अब भागोगे कि वहां बैठ के उसका हालचाल पूछोगे, गोली चल रही तो क्या करोगे, ठीक है। इन सभी से ये 400 अंक टोटल होता है। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, हिंदी में भैया एसआई में जानते हो जितना कुछ है, भारतीय भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, मौलिक ज्ञान में सब कुछ आपका संधि हो गया, वर्ण से हो गया, वर्णमाला हो गया, सब कुछ आना चाहिए, समास हो गया, ठीक है, संधि विच्छेद हो गया, वर्तनी हो गया, फिर शब्द में जाओगे तत्सम तद्भव, ठीक है, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इन सभी के आधार पर आपको पूरे शब्द भेद आने चाहिए। साथ ही साथ आपको सब कुछ, ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ नहीं परेशान होना है, जितना बता दूंगा उतना पढ़ लोगे, हिंदी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, दावा है मेरा, क्योंकि मैंने इससे पहले यूपीएसआई जो है बैच जो है चला भी है, इससे पहले यूपी पुलिस चला है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है, कोचिंग में, तो कोचिंग में इससे पहले हम बैच चला चुके हैं, इस बार आप सभी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर जो नॉलेज है ये सब डील करेंगे भैया, ठीक है, आशीष सर आपके वो इन सब में बहुत ज्यादा उनका अनुभव है, वही ये सब बताएंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि ये सर बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल क्या, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर क्या है, एल्गोरिथम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ छोड़ दो, कहीं कुछ किताब उताब करने, जितना मटेरियल देंगे, जितना कुछ देंगे उतने में ही कल्याण हो जाना, आशीष सर जितना बता देंगे बस समझ जाओ ये उससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। सारी चीजें जो इसमें जनरल अवेयरनेस है जीएस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में दो चीजें, एक तो जीए किया है और दूसरी चीजें इसने करंट अफेयर्स अलग किया है, तो इसके लिए बहुत अच्छे से तैयार रहना, जैसा करंट पूछा है ना पिछला पेपर में सॉल्व कराऊंगा देखना, ठीक है, वहां सारी आंखों के सामने क्वेश्चन आएगा तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, ऐसे प्रश्न पूछा है। देखो इसमें सामान्य विज्ञान, भारत इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, जो कुछ होता है, ठीक है, संविधान, अर्थव्यवस्था, संस्कृत, इसमें जितना जीएस में हम लोग जीए में पढ़ा देंगे, जितना इसमें करंट में पूरी चीजें अलग से मैं इसकी विशेष क्लास से लूंगा करंट अफेयर्स की, जितना इसमें पढ़ा दूंगा, ये सारी की सारी चीजें उससे बाहर नहीं जानी, बस आपको अच्छे से पढ़ना है साथ ही साथ। उसके बाद जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, आलोक सर जितना बता देंगे उतना पढ़ लो भैया, उससे बाहर एसआई वगैरह किसी में कुछ नहीं आएगा उसे। चलिए अब इसमें देखिए, जैसे संख्यात्मक योग्यता हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने बताया कि जितने चैप्टर हैं इन सब पर मैं फिर से भी डिस्कस करूंगा क्या कैसे है, अभी विज्ञप्ति आने दीजिए, ये रहेगा यही सिलेबस, सेम सिलेबस, और जितने भी चीजें यहां पढ़ाई जाएंगी उससे बाहर कुछ नहीं होगा। मानसिक योग्यता जानते ही जानते हैं, ठीक है, आशीष सर जितना कुछ बताते हैं उससे बाहर कुछ नहीं होता है कभी भी, ये जितने भी टाइप के आपके पूछ रहा है सब कुछ, इस पर मैं फिर से एक बार आऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ योग्यता वगैरह बताने के लिए आया हूं, जो कुछ भी है, ठीक है, जैसा ऐसा पेपर बना के देंगे हम आपको टेस्ट पेपर की, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगली बात, अब हम बात करते हैं जो आपकी विज्ञप्ति आई है, अभी जो इसने बताया है कि अधियाचन आ चुका है और अब हम विज्ञप्ति निकालेंगे जिसमें वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल देंगे, उस पर बात करते हैं। देखो भैया उपनिरीक्षक गोपनीय 295 पद है, पिछली बार 600 पद थे, इस बार 1277, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अगली चीज सहायक उपनिरीक्षक है लिपिक में 624, मतलब 300 पद उस बार थे, तो जितने लोग चूक गए हो ना इस बार चूकना मत, क्योंकि हम साथ हैं, टीम परीक्षा प्लस साथ हैं, क्योंकि हमारा क्या वादा है, परीक्षा के साथ भी परीक्षा के बाद भी। अगली चीज सहायक उपनिरीक्षक लेखा 358 पद, बहुत बड़ी चीज हो गई यार, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 1277 पद अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखते हैं, यहीं से समझ जाओ कि कर्म कुंडली बदलने वाली है। देखो इसमें डोएक या नीलेट वाले कंप्यूटर में ओ स्तर प्रमाण पत्र की समकक्षता का निर्धारण पहले से ही कंप्यूटर अपग्रेड जो ग्रेड ए का पेपर हुआ है उसी के अनुसार जो 2013 में था उसी भारतीय प्रक्रिया के मध्य शैक्षिक अर्हता में तकनीक की शिक्षा की समकक्षता
ठीक है, को 3-3-14 को आयोजित बैठक की कमेटी द्वारा निर्धारण के अनुसार ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं, भैया आप सारे लोग पूछ रहे थे सर जी ये डिग्री है एलिजिबल है कि नहीं, चलो उसी पर बात करते। देखो अगर बीएससी में कंप्यूटर साइंस आपने एक विषय के रूप में तीनों साल पढ़ लिया और डिग्री आपको बीएससी की मिली है, ठीक है, तो आप ओ लेवल के समकक्ष हैं या नहीं? भैया आप ओ लेवल से ऊपर हैं, एलिजिबल होंगे, और एलिजिबल वालों ऊपर वालों को अधिमानी अर्हता भी मिलेगी, वहां लिखा था इससे पहले मैंने बताया था। दूसरी चीज, अगर बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में केवल अंतिम साल में पढ़े हैं, ठीक, तो ये ओ लेवल के समकक्ष है, यानी आप फॉर्म डाल सकते हो, बिल्कुल, ये लोग भी डालेंगे, ये लोग भी डालेंगे। आगे बात करते हैं, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में तीनों साल में रहा लेकिन डिग्री बीएससी की मिली, ओ लेवल के समकक्ष है, ये डिग्री बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन जिनके पास होगा वो लोग भी इसके क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, क्योंकि ऊपर है तो जाहिर सी बात है एलिजिबल है। तीसरी बात करते हैं, अगर बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा लेकिन डिग्री जो है वो वही चीजें हैं, ठीक, ये वो लेवल के आपका इक्वल है, जिन्होंने बीएससी अंतिम साल में कंप्यूटर एक साल पढ़ा है वो लोग इसके बराबर हैं, वो लेवल के बराबर हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। आगे बात करते हैं, बीबीए वो लेवल के समकक्ष है, आप बीबीए की डिग्री के, भैया बीबीए जो है वो लेवल के समकक्ष नहीं, ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ बीबीए किए हैं वो नहीं डाल पाएंगे। अगली चीज, अगर कोई बीएससी किया है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो भैया इससे ऊपर है, वो फॉर्म डालेगा ही डालेगा, ठीक है। अगली चीज, नीलेट से अगर सीसीए या ओ लेवल सीसीए आपने किया है तो सीसीए जो होता है ये सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 6 महीने का कोर्स है, और ओ लेवल 1 साल का है तो सीसीए वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ट्रिपल सी वाले भी नहीं होंगे। अगली चीज है, आईटीआई से 52 सप्ताह मतलब 1 साल हो गया, अगर कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का आपने कोर्स किया है तो आप ओ लेवल के बराबर हो, ठीक है, मैंने बताया ना ओ लेवल बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइबर लॉ और सिक्योरिटी में, ठीक है, ओ लेवल के समकक्ष, ये भैया ओ लेवल के समकक्ष है, काफी ऊंची डिग्री है इसलिए मान्य है, ओ लेवल के बराबर है। आगे बात करते हैं, ओ लेवल इक्विपमेंट कोर्स है यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स, ओ लेवल के समकक्ष है नहीं, या कोर्स 1 साल का अगर आपने किया है तो भैया आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। अगली चीज, अगर कोई प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन आप किए बैठे हैं तो क्या ओ लेवल के इक्वल होंगे? भैया अगर प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार ने निर्गत किया है या उसके द्वारा स्थापित कोई मान्यता प्राप्त कोई बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है या यूजीसी है, ठीक है, या फिर AICTE है या इग्नू से आपने या नीलेट से किसी से किया है, ठीक, या डोयक है, तो उस अगर प्रमाण पत्र उसने निर्गत किया है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, और कोर्स की अवधि 1 साल या उससे अवधि ज्यादा है तो वह ओ लेवल के समकक्ष होगा। तो जितने लोग प्राइवेट किए बैठे हो, कोई कंप्यूटर में एप्लीकेशन किए हो, उस पर ओ लेवल नहीं लिखा है लेकिन 1 साल से ज्यादा है तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। 1 साल से ज्यादा का कोर्स है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, यह जरूरी नहीं कि ओ लेवल चाहिए। अगली चीज, प्राइवेट संस्थान से आपने DO AP की डिग्री ले रखी, डोमा की डिग्री ले रखी, ADCA कर रखा है कंप्यूटर में, या ADCA कर रखा है, या ADCH कर रखा है, या ADCP कर रखा है, या DCA कर रखा है, या DCFA कर रखा, या DSC है, DCTT है, DIP है, DISA है, DISM है, आदि, इनमें से कोई भी डिग्री, इसकी PDF लिंक नीचे लग जाएगी, अगर इसमें से कुछ भी कर रखा है तो एक चीज ध्यान रखना कि ये आपका नीलेट या कोई यूनिवर्सिटी या बोर्ड या UGC या AICET या इग्नू, इन सभी के द्वारा वो सर्टिफिकेट दिया गया हो, कोर्स 1 साल का हो, 1 साल से ज्यादा का हो, आप सभी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि सर जी ओ लेवल नहीं है। तो आगे बात कर लेते हैं, अगर प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ है, भैया प्राइवेट संस्थान से करो, पर संस्थान वाला आपको जो डिग्री दे ओ लेवल की उस पर यह लिखा होना चाहिए कि नीलेट या डोयक या इग्नू या AICT इसके द्वारा जो है ये डिग्री आपकी है। ऐसा नहीं वो उसने खुद से बना दे दिया मुहर मार के बस आपको, अगर उसने दिया है तो वहां पर आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। अगर प्राइवेट संस्थान से PGDCA किया है तो PGDCA वाले जितने लोग किए हैं भैया, अगर हमेशा ध्यान रखिएगा कि PGDCA का आपका कोर्स अवधि जो है 1 वर्ष या उससे अधिक है, कोई भी कोर्स जो 1 साल से ज्यादा है या 1 वर्ष है या 1 साल से ज्यादा है वो सभी ओ लेवल के बराबर है, ठीक है। PGDCA अगर 1 साल का है तो मान लीजिए आप ओ लेवल के इक्वल है। अगली चीज, प्राइवेट संस्थान से 1 या उससे 1 से अवधि वर्ष का, 3 वर्ष से कम अवधि का जो है डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है, डिप्लोमा
ठीक। अगर आपने प्राइवेट संस्थान से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि का, परम 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा किया है तो वो लेवल से के बराबर है कि नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा भैया कि अगर किए गए कोर्स की आपकी अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो यह ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा, ठीक है। अगली चीज, अगर प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष मान्य है या नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है, ठीक है, वो लोग भी डिप्लोमा, खासकर आप डिप्लोमा किस में हो, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगली चीज, क्या राष्ट्रीय कंप्यूटर जो है आपका साक्षरता मिशन से आपने डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष होगा कि नहीं, जो राष्ट्रीय आपका साक्षरता मिशन चला, अगर वो कोर्स एक अवधि या उससे ज्यादा है तो समकक्ष होगा। साथ ही ध्यान रखना है कि ये आपका किसी ना किसी राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से ही मिलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, UGDCA किए हैं, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 4 आवर्स हमने किया है, या यूपी डेस्को से हमने 1 साल का कोर्स किया, क्या मान्य है। देखो भैया, यूपी डेस्को से अगर 1 साल का कोर्स किया है तो डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है, और उत्तर प्रदेश राज्य उपक्रम तथा कोर्स की अवधि 1 साल पर अगर हो, जैसे ये यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 घंटे का हो गया, 1 साल की अगर है कोर्स तो वो मान्य होगा, ये चीज सत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्या बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। देखो, एमसीए बीटेक के समकक्ष आता है, या 3 साल के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। अगर पीसीएम नहीं है और उसने एमसीए किया है, चूंकि ये बीटेक के समकक्ष है, तो भैया बीटेक तो अपने आप में है ही है चीजें, ठीक, तो डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री हो गई, इसलिए एमसीए किया हुआ व्यक्ति क्या होगा, पात्र होगा। क्या बिना पीसीएम के बीसीए अगर कोई कर ले, ठीक है, पात्र होगा कि नहीं। अगर भैया बिना पीसीएम के अगर बीसीए जो है 3 साल का डिप्लोमा है, ठीक, और ये उससे ऊपर की डिग्री है, और बिना पीसीएम के बीसीए किया हुआ व्यक्ति जो है पात्र होगा। बिना पीसीएम, यानी पीसीएम भी है और आप बीसीए भी किए बैठे हो, इस चीज को सोचिएगा। क्या बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। भैया पीजीडीसीए 3 साल का है, डिप्लोमा से नीचे डिग्री आता, बिना पीसीएम के पीजीडीसीए का किया हुआ व्यक्ति पात्र नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप पीसीएम किए हैं, ठीक है, और पीसीएम के बाद पीजीडीसी किए हैं तो ही आप पात्र होंगे, ठीक, यहां पर उसने स्पष्ट लिख दिया है। अगली चीज, क्या किसी बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। ए लेवल 3 वर्ष के डिप्लोमा की डिग्री है, तथा पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति जो है बिना पीसीएम का है और उसने ए लेवल कर लिया है, तो वो भी इसके लिए पात्र होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, जो ये संस्कृत शिक्षा परिषद है लखनऊ की, पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा तथा इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इग्नू से अगर आप बीसीए किए हैं या एमसीए किए हैं, 3 साल की डिग्री है, तो बिना जो है, ठीक, ये क्या होगा, पात्र ही होगा, लेकिन बिना पीसीएम के बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ पात्र होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है लेकिन गणित विषय साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो यह क्या मान्य होगा। या डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कोई इंस्टीट्यूशन से हो, कोर्स की अवधि क्या होनी चाहिए, 3 वर्ष या उससे अधिक है, प्रमाण पत्र केंद्र राज्य ने दिया है, तभी मान्य होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें क्या रही, ओ लेवल के समकक्ष आपकी अर्हताएं हैं, ठीक, तो इसमें सारी चीजों को आपने सीखा होगा, डिप्लोमा वाले ही इसमें क्या है, एलिजिबल है, इस चीजों का स्पष्टीकरण हो चुका है। तो आज जैसे ही वैकेंसी आती है उसके बाद मैं फिर से आपके सामने आऊंगा, इससे आगे जो है इसका क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, ठीक, वो चीजें मैं आपको जो है जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, फिर इसके बारे में क्लासेज वगैरह भी आपकी शुरुआत कर दी जाएंगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहो, ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर होती रहे, सारी चीजें जानते रहे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।